तो दोस्तों आर आर एम्पलीफायर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। साउंड टेस्ट करेंगे हमें अपने ब्लूटूथ स्पीकर की। ये सोनी के ओरिजिनल स्पीकर से इसमें हमने लगा रखे हैं। और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, ख़ास बात इसकी ये है कि इसे हमने पीवीसी पाइप में बना रखा है, वो भी 6 इंच की पीवीसी पाइप में बना रखा है। ये देखिए, इसमें पगारिया का ब्लूटूथ हमने लगा रखा है, अभी ये चालू है, ठीक है मेरे भाइयों। और पीछे हम इसके देखते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का 24 वोल्ट का चार्जिंग जैक मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए। इसमें 24 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है। ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। और ये आपका टोन है। और इधर आपको पैसिव रेडिएटर मिल जाते हैं दो, एक इधर और एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड के मेरे भाइयों। अब हम इसकी एक एलसीएस सॉन्ग पे साउंड टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को साउंड टेस्ट इसकी ज़बरदस्त लगी होगी। तो अभी हम अपने न्यू होम पे हैं। तो दोस्तों वीडियो अरे, लगी तो चलो। अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया?
चैनल लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। और अभी अभी हमारे घर पे न्यू काम चल रहा है अभी, ठीक है, मैं इन लोगों से भी मिलवाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मेरे चाचा जी है, तो भाई हेलो, तो ये मेरा बेटा है, इसको कम से कम 10,000 लाइक होना चाहिए, सब्सक्राइब करना, ठीक है जी, थैंक यू। और इधर मेरे मामा जी भी हैं, इधर भी रेलिंग वगैरह पेंट हो रही है। अभी हम गोविंदपुरी में हैं दोस्तों, हमने न्यू होम लिया है गोविंदपुरी में, ठीक है। और जी ये मेरा भांजा है, इसको 10,000 लाइक करिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों टारगेट आपको पता चल ही गया है, 10,000 लाइक का है, तो छोटा सा टारगेट है, आप लोग कंप्लीट कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना जो नए न्यू व्यूअर्स है, ठीक है। और इसमें जो DIY की वीडियो है इसकी मैं पूरी डाल ही चुका हूँ, इसको मैंने कैसे बनाया है, ठीक है मेरे भाई, बैटरी से लेके वायरिंग तक मैंने सब कुछ इसमें पूरी हिंदी डिटेल में बारीक, थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है, आप लोग जाइए उसको देखिए और अपने घर पे स्पीकर बनाइए, कार में स्पीकर लगते हैं, कार वाले मज़े आप घर पे लीजिए। और जो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं इसमें नंबर अपना डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी आईडी इसमें छोड़ दूंगा और आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें इसकी अलग अलग साउंड पे मैंने इसकी साउंड टेस्ट कर रखी है, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे ये वाले अगर नॉर्मल साउंड की वीडियो डालूंगा तो मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है मेरे को, तो इसलिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी जाके फॉलो करें और वीडियो जाके देखें अगर आपको इसकी नॉर्मल साउंड पे साउंड टेस्टिंग देखनी है तो। और वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक ठोक के जाना।